CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला उड़ान उड़ान उड़ान। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम अंधेरे का उजाला बेबी हालदर। नमस्ते प्रबोध। रमन नमस्ते। कहो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ यात्रा कैसी रही? हाँ यात्रा तो ठीक रही भाई, मुझे तो कुछ पंक्तियाँ यहाँ खींच लाई हैं। मतलब? अरे भाई मैं उस लेखिका की बात कर रहा हूँ जिसके लेख तुम समय समय पर मुझे भेजते रहे हो। समझा प्रबोध, मेरी बड़ी इच्छा है कि कोलकाता जाने से पहले एक बार उस हस्ती से मिल लूं। तुम जानते हो ना उसे? हाँ जानता तो हूँ। तो फिर मुलाकात हो सकती है? भाई कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करो। साहब चाय रख दो, सामने रख दो। रमन हाँ, कोशिश कामयाब हो गई। अरे हाँ मतलब? वो लेखिका और कोई नहीं, ये तुम्हारे सामने खड़ी है जो चाय लेके आई है। हैं? ये भला कैसे हो सकता है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या आप ही बेबी हालदर हैं? हाँ रमन, यही है वो महान लेखिका। अरे लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर ये यहां कैसे और ये काम? हर कोई यही सवाल पूछेगा अब। भाई प्रबोध, सच पूछो तो मैं आज धन्य हो गया। साथियों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। उस दिन प्रबोध जी के ड्राइंग रूम में महान लेखिका बेबी हालदर से मुलाकात करके रमन मानो अवाक रह गए थे। बेबी हालदर अब साहित्य जगत की जानी पहचानी हस्ती हैं। आज बेबी हालदर का नाम लेखन के क्षेत्र में एक पहचान बन चुका है। बीबी का बचपन बहुत ही दारुण और दुखमय माहौल में बीता। पिता घर पर कभी पैसे देते कभी नहीं देते। घर में निरंतर तंगी और कलह के कारण मां घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद पिता ने दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा। नौकरी से रिटायर होने पर उसके पिता दुर्गापुर में आकर रहने लगे, जो पश्चिम बंगाल में है। मुसीबतों ने यहां भी बेबी का पीछा नहीं छोड़ा। वो अपने से दुगनी उम्र के एक आदमी के साथ ब्याह दी गई और सातवीं कक्षा में ही उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ वर्षों के बाद नियति ने एक और क्रूर करवट ली, जिसके कारण उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने का कारण था पति का दुर्व्यवहार। एक दिन की बात है, पूजा का दिन था, रात के 2 बजे थे, पड़ोस में पूजा थी।
बेबी भी पूजा का थाल तैयार किए बैठी थी। बस इंतजार था पति के घर आने का। अरे आ गए आप, इतनी देर कैसे हो गई? क्यों, तुमसे पूछकर जाना होगा कहीं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। अब वो आज मेरा उपवास है, पड़ोस में पूजा चल रही है, अब आप कहें तो मैं वहां हो आऊं। कितनी देर लगेगी? बस पूजा खत्म होते ही चली आऊंगी। जल्दी आ जाना। जी। उस दिन जो पूजा में हुआ उसके बाद बेबी ने निर्णय लिया कि वो कभी अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। हुआ यूं कि उस दिन बेबी के पति ने सबके सामने बेबी की खूब पिटाई की। बात क्या थी ये तो ना बेबी को पता था, ना ही पूजा में उपस्थित लोगों को, और ना ही शायद बेबी के पति को। रोज रोज की जिल्लत झेलने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूं। अपने तीनों बच्चों को लेकर दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन से उसने गाड़ी पकड़ी और ढेरों प्रश्न मन में लिए वो चल पड़ी एक ऐसे आशियाने की तलाश में जहां उसके लिए सुख के कुछ पल हों और उसके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य। सब कुछ छोड़कर जा तो रही हूँ, पर क्या होगा आगे? इन बच्चों को ठीक से पाल भी सकूंगी या नहीं? क्या कोई काम मिल पाएगा मुझे? क्या मेरे बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे? और फिर बेबी जुट गई इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में। कुछ दिन वो फरीदाबाद रही और फिर गुड़गांव। घरों में काम करके कुछ पैसे तो कमा लेती थी जिससे उसके बच्चों का पेट तो भर जाता था, पर उसकी आंखें अक्सर खिलखिलाते हंसते बच्चों को जब बस्ता टांगकर स्कूल जाते हुए देखती तो एक आह उसके मन से निकलती। क्या उसके बच्चे भी कभी स्कूल जा पाएंगे? समय का पहिया अब